एक तो हमने बोला कि कुछ एजेंसियों की चर्चा करेंगे, तो सबसे पहले पहली एजेंसी लिखिएगा, आयोग कमीशंस यही सब बताएंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ये सब आपके जहन में रहना चाहिए जब आप लिखें चाइल्ड के प्रोटेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यह सारी बातें वहाँ पर कर सकें। ताकि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, इसमें जो बात कहना है, मतलब कुल मिला जुला के हर संस्था का एक अपना स्थान है कि उसकी वजह लेके आया। वैसे तो देखा जाए, जैसे आप ही लोग कहते हैं कि देश में कानून बहुत है भाई, चाहे वुमेन राइट को लेके या उनके प्रोटेक्शन को लेकर या बच्चों को लेकर, कानून की कमी नहीं है। हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य है। जैसे हम लोग पढ़ लिख रहे हैं तो अपना इसका एक उद्देश्य है। इस पढ़ाई को जैसे आप आई एस पी सी एस लिए पढ़ रहे हैं तो आई एस पी सी एस में ही उपयोग करेंगे। अब ये बात और है कि इसका उपयोग किसी और कंपटीशन में भी हो सकता है। तो वैसे ही हम लोग जब चाइल्ड की वजह से कहा कि लेबर जो बच्चों को काम करने से फैक्ट्रियों में रोकने का कानून, तो उसका ध्येय वही है। लेकिन अगर बच्चे को फैक्ट्रियों में काम करने से रोक देंगे तो स्कूल जाने लगेंगे, तो यहाँ राइट टू एजुकेशन को भी जगह मिल जाएगी। नहीं समझे? जैसे मान लो कोई बच्चा है लेबर का काम करता है, मान लो फैक्ट्रियों में यहाँ वहाँ काम करता है, चाय की दुकान पे कहीं भी काम करता है, तो उसी की वजह से तो स्कूल नहीं जा रहा है ना वो। जब आपने एक कानून बनाया कि नहीं 14 साल तक के बच्चे जो है ना से आप किसी पटाखे की ऐसी वैसी कहीं है ना खतरनाक ऐसे जगहों पर आप उनका नियोजन नहीं कर सकते, तो बच्चे नहीं काम करेंगे। अब आपने बगल में बना दिया है राइट टू एजुकेशन, और फिर आपने नियम बनाया है कि भैया 14 साल तक के बच्चे निःशुल्क पढ़ेंगे, उनको दोपहर भोजन भी मिलेगा, तो जो एक प्रॉब्लम थी ना वो तो शॉर्ट आउट हो गई ना। उधर से आपने रोक दिया कानून बना के, यानी कानून उसका उस उद्देश्य पे काम दिया। लेकिन वहीं जब वो खाली हुआ तो आपने एक राइट टू एजुकेशन भी बना दिया था, एक कानून वहाँ चला गया। चूंकि जा ही रहा था क्योंकि वहाँ भोजन वोजन का उसको दिक्कत था, तो आपने कहा मिड डे मील है, एक नियम आपने ये बना के रखा हुआ। तो बनाया हमने, देखे एक उद्देश्य पूरा करने के चक्कर में बाकी उद्देश्य अपने आप कैसे पूरे हो जाते हैं। तो जो ये कानून बनाया गया, ये 2005 के अधिनियम में देखेंगे एक सांविधिक निकाय के रूप में ये लाया गया था, जिसको 2007 में एग्जीक्यूट किया गया, जो आपने अभी लिखा। तो ये क्यों एग्जीक्यूट, क्या एक लाइन है, जरा इसको सिर्फ समझ लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। लिखें, द नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसका एक एक नाम ले करके लिख दीजिए तो आपको ज्यादा राहत रहेगी बार बार लिखने के बजाय। NCPCR लिख दीजिए, NCPCR, ठीक है ना। NCPCR वाज एस्टेब्लिश्ड इन मार्च 2007। NCPCR की स्थापना मार्च 2007 में एज ए स्टेट्यूटरी बॉडी, सांविधिक बोलते हैं इसको, स्टेट्यूटरी बॉडी अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। बाल मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत सांविधिक निकाय के रूप में की गई थी। All of whom are experts in the field of child welfare, जो सभी बाल कल्याण के विषय में दक्षता, ठीक है ना, दक्षता प्राप्त होते हैं।
इसमें भी बच्चा जितने भी जुड़े हुए चीज़ें हैं, जैसे माना उदाहरण के तौर पे, चाहे दंगा हो, सांप्रदायिक दंगा हो, आतंकवाद हो, घरेलू हिंसा हो, HIV की बात हो, तस्करी की बात हो, दुर्व्यवहार की बात हो, प्रताड़ना की बात हो, ये सब से जुड़ा अगर किसी भी बच्चे के साथ होता है तो ये कमीशन वहाँ एक्टिव हो जाए। ठीक है, ये एक्शन में आ जाएगी। अब जैसे आप यहाँ कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए 2005 में क्या बनाया आपने, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लाए। अब बच्चे के घर में पिटाई हो रही तो आप चाहें तो इस एक्ट के तहत वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, आप इसमें समझ लो बच्चे के साथ कुछ भी हो रहा, चाहे उसके ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हो, चाहे उसको सांप्रदायिक हिंसा में लिप्त करो, हिंसा में लिप्त करो, HIV तक हुआ, किसी ऐसे रोग से जूझ रहा हो, किसी प्रकार के प्रताड़ना झेल रहा हो, वेश्यावृत्ति जैसी प्रवृत्ति से उसको झोंका, किसी भी तरीके की व्यवस्था में होगा, यह कमीशन उसकी रक्षा करेगा। अगला हेडिंग बनाइए, जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, किशोर न्यायालय और किशोर न्याय बोर्ड, इसको लिखिएगा। जुवेनाइल ऑफेंडर्स कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस आर इन कस्टडी फॉर एन ऑफेंस आर दोज लिखेंगे किसी अपराध के दोषी अथवा अपराध के लिए हिरासत में बाल अपराधी वे होते हैं, हु हैव बीन बॉट बिफोर अ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड under the juvenile justice bracket में लिखना care and protection of children bracket बंद करके लिखिए act 2000 लिखिएगा, जिन्हें किशोर न्यायालय किशोर न्याय bracket में लिखें बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2000, जिन्हें किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण ब्रैकेट बंद करिए अधिनियम 2000, आप लोग इंग्लिश में भी हिंदी में लिखिएगा, ब्रैकेट एक बनाइए, लिखिए संशोधित अमेंडेड, आगे 2000 के बाद लिखिए संशोधित, अंग्रेजी में लिखिए अमेंडेड 2006 2011 2015 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष लाया गया है, लाइन बदल के लिखें, इसका मूल भाव समझ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लिखिएगा चिल्ड्रेन कैन नॉट बी टेकन टू एनी रेगुलर कोर्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट and the court of criminal procedure इसमें लिखिएगा, इस अधिनियम तथा अपराध प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत बालकों को किसी नियमित न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता,
बच्चों को किसी नियमित न्यायालय में नहीं ले जा, नियमित न्यायालय का मतलब जैसे कोर्ट कचहरी में नहीं ले जाया जा सकता, ठीक है। देयरफॉर द पर्पज ऑफ द सिटिंग ऑफ सेपरेट कोर्ट, ऑफ सेपरेट कोर्ट कोर्ट्स के लिए फॉर चिल्ड्रेन इन दियर सोशियो लीगल रिहैबिलेशन रिहैबिलेशन, इसमें लिखिएगा, अतः बालकों के लिए पृथक न्यायालय बनवाने का उद्देश्य, नेक्स्ट लिखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, नेशनल कॉपरेशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, ठीक है। इसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिख लो NIPCCD, लिखो इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द एजेंसीज ऑफ, अंडर द मिनिस्ट्री लिखो, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के संरक्षण में एक स्वायत्त संगठन है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर, इस संगठन के मुख्य उद्देश्य है, नंबर वन नंबर टू करके लिखो दो तीन ठू, एक तो लिखिएगा सामाजिक विकास में सरकारी एवं स्वैच्छिक सामाजिक विकास में सरकारी एवं स्वैच्छिक विकास परक उपायों में सामंजस्य स्थापित करना,